चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमाराए, सखी जीवन हमाराए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, चर्चा काबख अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लो ईशा का इलाम, अब महमद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम, यहाँ लगे कतेब की। धामधनी अक्षरातीत इबितुक साहेब के घटना क्रम वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रम सिद्धपुर और मेरते का उनको जोड़ते हुए हम आगे के प्रसंग को देखें। कल के घटनाक्रम में हमने सिद्धपुर में भगवान दास रेवादास और उसी के माध्यम से केशव दास जी, जो प्रसंग हमने विस्तार से और कितना रोचक था, कितना महत्वपूर्ण था, और केशव दास जी ने कैसे पहचान की, श्री जी तो मिले भी नहीं, उसी मुख से श्री जी के मुखार विंद से स्वयं प्रत्यक्ष वचन भी नहीं सुने। 6 मास के बाद भगवान दास रेवादास के मुख से सुने और तुरंत ही शीघ्र वहां से निकल गए और 6 मास के बाद श्री जी को दिल्ली में मिले। वहां तारतम ज्ञान ग्रहण करने के बाद फिर वापस सिद्धपुर आए और वहाँ अपना ज्ञान केंद्र की स्थापना की और वहाँ परमधाम की लीला, शोभा, श्रृंगार ये चर्चा प्रारंभ कर दी। वहाँ भी बहुत सुंदर साज की जागनी हुई। देखो सुंदर साज जी, अलग अलग स्थान, अलग अलग शहर, अलग अलग ग्राम, जहाँ भी जाते हैं श्री जी चर्चा चर्चा की अर्चा, और वहाँ श्री जी के चर्चा के माध्यम से जो सुंदर साथ के अंदर ये तारतम ज्ञान की सुगंधी जाती है, ये तारतम ज्ञान की जब पहचान होती है, उसी के बाद वो सुंदर साथ भी कैसे चर्चा करने लगते हैं, कैसे धाम धनी की लीला की शोभा की स्वरूप की बात बताने लगते हैं, और वो भी जागनी कार्य में कैसे आगे बढ़ते हैं, वो केशवदासी के प्रसंग से हमको प्रबोधित किया। और आगे हम देखे
तो केशव दास जी ने परम धाम की लीला का जब वर्णन करते हैं तो क्या बता रहे हैं सिद्धपुर में के प्राणधार सुंदर साथ जी, तुम अष्ट पहर परम धाम में तो वैसे समय नहीं है, यहाँ के समय के हिसाब से आठों पहर अब लीला हम जाहिर करे जो सुख सैया हृदय धरे। धाम की लीला अपरम पार हे सुंदर साध जी, तुम परम धाम में कैसे अनादि काल से लीला करते थे, अभी भी वहां तो पल भी नहीं बीती है, वो लीला को आप याद करो, वो सुख आपके कहाँ गए। आप पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोने से लेकर वायव्य कोने तक 1500 मंदिर तक जो 50 आंस में नीचे नुरबाग और ऊपर जो फूल बाग आया है, कैसे 10 बगीचे की 10 हार, 100 बगीचे की कैसे रंग बेरंगी कई प्रकार के फूलों, कई प्रकार के जो फूलों के बगीचे लगे हैं, इतना नहीं एक एक टहने के एक एक पत्ते में कैसे नंग की चित्रकारी जड़ावकारी की है, एक एक नंग में से कितने प्रकार की तरंग किरणें और प्रकाश निकल रहे हैं, इतना नहीं उन बगीचों में नीचे जो नूर के थंब लगे हुए हैं वहाँ भी नहरें चलती है और इतना नूरों से जलकार जलकार कर रहा है नीचे का जो नूर बाग और ऊपर जो फूल बाग की शोभा बनी है, उस फूल बाग में तुम कैसे लीला करते थे, तुम कैसे खेलते थे। इतना नहीं मान लो कि वहाँ जो 100 बगीचे फूल के बने हैं, एक बगीचा सफ़ेद रंग का है, एक बगीचा पीला, एक नीला, एक लाल, एक हरा, ऐसे अनेक रंगों के जो बगीचे हम तो गिने तो कितने गिन सके, यहाँ तो हद है शुमार है, लेकिन परमधाम तो कैसा है बेशुमार बेशुमार लिया शुमार में आउने माहे दिल। तो वहाँ हम मान लो कि अभी लाल या हरे रंग के बगीचे में हम जब जाते तो वहाँ भी अन्य और पशु और पक्षी कई कीट कई कितने प्रकार के प्राणी और इतना नहीं कई रंगों के और अपने जुथ समूह में आते हैं और हम भी मान लो हम सफ़ेद रंग के या लाल या हरे रंग के बगीचे में हम जब लीला करने के लिए जाते हैं तो हमारा श्रृंगार भी कैसा है, जैसे फूल बाग के एक बाग का फूल का जो सफ़ेद रंग का बगीचा है तो वैसा ही हमारी साड़ी भी सफ़ेद रंग की है, नहरें भी सफ़ेद रंग के पानी से बहाती बहती जा रही है और हमारा श्रृंगार वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के है। इतना नहीं वहाँ पशु पक्षियाँ भी सफ़ेद रंग के, उसके श्रृंगार वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के, बगीचे के फूल पत्ते फल सब सफ़ेद रंग के, वैसे ही हरे रंग के देखो, वैसे ही लाल रंग के देखो, वैसे ही ब्लू रंग के देखो, वैसे आसमानी रंग के देखो, वैसे अनेक रंगों के जो बगीचे बने हैं वैसा ही हमारा श्रृंगार शोभा है। और वहाँ जैसे हमारे रंग महल के पीछे के दीवार में जो पीछे के मंदिर बने हैं 1500 और वहाँ के जो पीछे जरोखे से हम जब जागते थे देखते थे फुलबाग और आगे अनवन दुबदुलीचा पश्चिम चौगान और जवेरों की नहर की ओर दधि सागर की ओर आगे जाए तो और भी शोभा, हम अंतिम तक की जब हम देखते थे तो सुंदर साथ जी। और इतना नहीं
ये सुख को, इस लीला को याद करो। और जब जरोखे में हम बैठते थे, पवन भी कैसे मंद मंद सुगंधित बहते थे, और वो भी फुलबाग नुरबाग की सुगंधि लेके हमारे अंगों को कैसे स्पर्श करते थे। और वो फुलबाग नुरबाग के अनंत बगीचों का, अनंत प्रकार के, अनंत रंगों का कितना आनंद लेते थे। और धाम धनी अपने सामने बैठकर, कई बार कुर्सियाँ सिंहासन पर एक साथ बैठकर, कैसे नेत्र से नेत्र मिलाकर, कैसे प्रेम विलास की लीला हम करते थे। तो वो सुख कहाँ गए? आज धाम धनी क्या लीला बताई? फूलबाग नूरबाग की, रंग महल के पश्चिम दिशा की। और बता कौन रहे? केशवदास जी। कहाँ बता रहे? सिद्धपुर में। और सुंदर साथ वो लीला में कैसे डूब जाते थे। फिर जब आंखें खुलती थी, लीला तो यहां वर्णन हो रहा है सिद्धपुर में, नश्वर जगत में। जब आंखें खुलती थी तो अंदर से क्या पीड़ा, क्या टीस निकलती थी, क्या विरह, क्या दर्द पैदा होता था कि अरे ये क्या बदबूई में आ गए, किस खुशबूई में फुलबाग नुरबाग की हम सुगंध ले रहे थे, क्या जंगल गुमराह में आ गए, किस वनों के अंदर हम विहार कर रहे थे। तो जब आंखें खुलती है तो ये संसार कैसा लगेगा? फीका लगेगा। जब जैसे जैसे हम इस लीला में डूबते जाएंगे, जैसे जैसे इस लीला में हम सुंदर सा जी एक रस होते जाएंगे, तो कितना आनंद प्राप्त होगा, कितना सुख प्राप्त होगा, कितनी शांति प्राप्त होगी, कितना अंदर से सुकून मिलेगा कि हर क्षण हर पल बस ये संसार अग्नि लगेगा। बस बार बार ऐसा विचार आएगा कि बस इधर की ओर देखना ही नहीं है, बस धनी बस मेरी ये नेत्र खुले भौतिक तो बस सामने तेरा ही स्वरूप हो, बस ये नेत्र बंद हो तो अंदर तेरा ही चिंतन हो, तेरा ही मनन हो। कैसे केशवदास जी वर्णन करते होंगे, पता नहीं अभी वर्णन करते करते भी ऐसा लगता है कि आंख भी नहीं खोलनी है, बस वही वर्णन में डूबे रहे। लेकिन क्या करें, फिर बुद्धि के धरातल पर जाना पड़ता है, फिर आगे वर्णन को और लीला को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ केशवदास जी के प्रसंग से हमने जो लीला सुनी, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सुंदर सा जी हम भी वाणी के माध्यम से, परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, राज जी ने जो 25 पक्ष का कितना अनुपम, कैसे अवलौकिक सुंदर वर्णन किया है, किसमें? परिक्रमा ग्रंथ में। इतना नहीं, कहीं कहीं किरंतन ग्रंथ भी, लघु ग्रंथ है हमारे 14 ग्रंथों का, उसमें भी कहीं कहीं वर्णन हुआ है। इतना भी नहीं, हमारे परमंश चाहे लालदास जी हो, चाहे गोपाल मणि जी हो, चाहे युगलदास जी हो, चाहे जवारदास जी हो, चाहे बड़े महाराज जी राम रतन दास जी महाराज हो, चाहे कालिम्पोंग मंगलदास जी महाराज हो। और इतना नहीं, सुंदर साहब जी हमारे जो परमंश में लालदासी, युगलदासी, जवारदासी, जो जिसने बड़ी वृत्त और छोटी वृत्तों के रूप में हमारे सामने जो परमधाम की लीला का अद्भुत अवलौकिक, इतना प्रेम रस से भरपूर, इतना प्रेम का अनंत प्रवाह में जो लीला के साथ लालदासी, और इससे भी और कहो तो युगलदासी ने रसानंद मनमोहन सागर में कितना सुंदर वर्णन किया है। सुंदर साची बुद्धि के हिसाब पर मत जाइए कि कितना लंबा कितना चौड़ा, भले बताने के समय तो थोड़ा बुद्धि का हिसाब लगाना पड़ता है, लेकिन हम जब लीला में डूबे, बस शोभा में डूबे,
तो वही रस में डूब जाइए, बस वही में एक रस हो जाइए, आगे देखने की इच्छा ही न हो। राजी तो वाणी में कहते हैं कि एक अंग को लग रही तित ही भई गलतान। क्या बताया? एक अंग को लग रही तित ही भई गलतान। मेरी रूह चाहे मेरे स्वरूप को देखती है तो एक अंग में लगती है तो एक अंग में ही डूब जाती है। आगे और अंग में जाए वो तो मोमिनी नहीं कहा जाता। जो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग की शोभा देखने लगे उसको ब्रह्मात्मा कैसे कहा जाए? ब्रह्मात्मा तो कैसी है, एक अंग में सागर की अंदर ऐसे ही प्रेम के सागर में डूब जाती कि बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। यही धामधनी ने सुंदर साजी के सुदासी के प्रसंग से हमको बताया और अक्षरातीत के स्वरूप में कैसे पहचान कर ली। और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हमने मेड़ते में कैसे लाभानंद यति तांत्रिक विद्या के जानकार उसी प्रसंग को देखा। और आगे दूसरा प्रसंग घटित हुआ राजा राम भाई की बेटी जो पुत्री ललिता सखी उसी की सेवा के प्रसंग को हमने कल विस्तार से देखा। कैसे पहचान की, देखो एक बार एक मोमिन लग जाती तो पीछे देखने का मन ही नहीं लगता, बस अंतिम यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। इतना नहीं और आगे तीसरा प्रसंग लालदासी को जब श्रीजी बता रहे कि क्या आगे प्रसंग में बताएंगे, यह अंतिम प्रसंग में बताया कि जब मस्जिद के मीनार पर चढ़कर मुल्ला ने जो अजान दी, बांग पुकारी ला इल्ला इन इल्ला मोहम्मद रसूल इल्ला, उसी के माध्यम से श्री जी जब रास्ते में खड़े हो गए वहाँ और क्या सुना कि ये तो हमारे घर की बात है। क्या बात है? ये तो रसूल, ये रसूल कौन थे? ध्यान से आप सुनिए कि राजी ने बताया व्रज और रास में अक्षरातीत की आवेश और जोश की शक्ति ने लीला की, अक्षर की आत्मा ने भी लीला की। वही अक्षर की आत्म, ध्यान से, वही अक्षर की आत्म सिर्फ जोश लेकर बड़ा रब में अरब की धरती पर मोहम्मद के रूप में आज से 1400 साल पहले आई और रसूल मोहम्मद कहलाए मुस्तफा बेग। उसने संदेश दिलाया कुरान के माध्यम से और 30 सिपारा का जो 30 सिपारे में हमारा सनंद ग्रंथ और उसमें 42 प्रकरण है, बाकी के 12 वेद ग्रंथ के आधारित है। तो ये रसूल मोहम्मद फिर रास खेल के आए बरारब श्याम, तो ये रास खेल के जो श्याम मोहम्मद साहेब के रूप में बरारब की धरती पर अवतरित हुए और वही 999 मास रसूल को हुए जब रुहल्ला मिशल गाजियो मोमिन उतरे तब, तो वही जब 990 मास और 990 साल और 9 मास हुए तब वही शक्ति अक्षर की आत्मा अपने जोश के साथ और राज्य के आवेश के साथ चौथे दिन में सतगुरु धनी से देवचंद्र जी के अंदर प्रकट हुई और वही शक्ति पांचवें दिन में। तो यहाँ बताया कि यहाँ लो इसे का इलम। अब हम ये बात को जोड़ते हुए आगे चले प्रसंग को कि यहाँ लो इसे का इलम। तो यहाँ सतगुरु धनी से देवचंद्र जी एक वेद पक्ष का ज्ञान लेकर और उसने ये भी बताया कि हे इंद्रावती, जब दोनों का मिलन हुआ तब बताया हे इंद्रावती, मैंने कुरान पढ़ने के लिए बहुत कोशिश प्रयास किया लेकिन ये कर्मकांडी शरीयत को मानने वाले मुसलमान ने कुरान मेरे को हाथ में आने नहीं दिया। ये कुरान के भेद तेरे से खुलेंगे, बताया था ना मिलन हुआ तब। तो आज ये कुरान का जो गुज मायना गोपनीय जो बातें हैं ये यहाँ मेड़ते से प्रारंभ हो गई।
तो वेद और कतेब दोनों को आज हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए जो कहिया कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब दो बंदे एक साहेब के पर लड़त न बिना पाए भेद। जो वेद ने कहिया वही कतेब ने कहा है। क्या कहिया वेद ने? जो परब्रह्म एक परमात्मा की बात कही वही तो यहाँ खुदा ताला अल्लाह ताला कुल्लू अल्लाह अहद कहा गया कुरान में कतेब में। यही बात मेकाइल जो कतेब में कहा गया वही वेद में ब्रह्मा जी कहा गया। इसराइल कहा गया कतेब में वही यहाँ शिव जी कहा गया। और जाजिल कतेब में कहा गया यही यहाँ विष्णु कहा गया। जबरूत कहा गया नासुत कहा गया वही यहाँ मृत्युलोक कहा गया। मलकुत कतेब में कहा गया वो यहाँ बैकुंठ वेद में कहा गया। जो कतेब में जबरूत कहा गया वो वेद में अक्षरधाम वो उसमें सदरतुल मुंतहा भी कहा गया। जो लाहूत अर्श अजीम कतेब में कहा गया वो यहाँ अर्श अजीम में परम धाम कहा गया। तो जो वेद कह रहे हैं वही तो कतेब कह रहे हैं। तो ये दोनों को और आगे शाकुंडल और सकुमार दोनों को जो जगाने की बात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने रखी थी किसको? श्री इंद्रावती की आत्मा को कहा था कि दोनों सिरदार आत्मा संसार में जब जग जाएगी तो पूरा संसार जग जाएगा और इतना नहीं सबको अखंड मुक्ति मिलेगी और सब अपनी करनी के हिसाब से सातों प्रकार की विश्व में अपने न्याय के अनुसार मुक्ति को प्राप्त होगे। और प्रथम विश्व में मरु और देवापी बैठकर जो कौन राजीव और श्यामा जी बनकर सब प्रकार के जीवों का न्याय करेंगे। तो यहाँ वेद पक्ष का ज्ञान यहाँ तक था और आगे यहाँ लो ईशे का इलम। इसके बाद की चौपाई में बताया कतेब की पूंजी यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित्त। तो आपको ये चौपाई सुनकर एक प्रश्न खड़ा होगा कि यहाँ तक श्री प्राणनाथ जी को कतेब परंपरा का कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या बताया राज जी ने कि मेरते में जब श्री प्राणनाथ जी सुंदर सात के समूह के साथ पहुंचते हैं तब तक इससे पूर्व और कतेब की चर्चा की ओर क्योंकि श्री मूल स्वरूप ने अक्षरातीत ने दिल में ही मेरते से लिया था तो तब तक कतेब की ओर चर्चा में श्री जी का चित्त नहीं था। और जब मेरते में पहुंचे तो यहाँ कतेब की चर्चा भी शुरू हो गई। कलमा से हासिल भया क्योंकि कल हमने मेरते में कलमा सुना श्री प्राणनाथ जी ने तो उसके अंदर विचार आने लगा कि देवचंद्र जी ने भी यही बात रखी थी कि ये मोमिनों की साक्षी। यहाँ लालदासी को भी बता रहे हे लालदासी कल मैंने एक अद्भुत ज्ञान की चर्चा पाई मतलब मैंने अजान सुनी बांग सुनी। तो लालदासी ने क्या बोला कि मेरे को भी आप सुनाइए क्या सुना श्री जी आपने। तब श्री जी ने बोला कि उसमें मेरी मतलब सब परम धाम की ब्रह्मात्माओं की सब साक्षियां है। तो यहां आपको यह लगेगा कि श्री प्राणनाथ जी यहाँ से कतेब की चर्चा शुरू की लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से मूल स्वरूप ने दिल में लिया था। यहाँ एक चौपाई भी बताई कि पढ़िया नहीं फारसी ना अरफ अरब ना सुनिया कान कुरान को तो भी मायने खोलत सब। श्री जी कहाँ फारसी पढ़ने के लिए गए कहाँ अरबी पढ़ने के लिए गए क्योंकि उसी दिल में महामति के दिल में पांचों शक्तियाँ तो विराजमान थी। शिवराज जी का जोश आत्म दुल्हीन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन इतना नहीं यहाँ अस्राफिल की जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति भी अंदर विराजमान है। अक्षर की आत्मा भी अंदर है तो उसके लिए कोई कठिन चीज नहीं थी। तो यहाँ राज जी ने इस प्रसंग के माध्यम से सुंदर साजी कतेब का ज्ञान भी
यहाँ जोड़ दिया और हम आगे बढ़े तो यहाँ से सुंदर साथ जी और चौपाई में आगे बताया। क्या बताया कि जैसे ही मैंने जो ये प्रसंग को आगे बढ़ते बढ़ते महामती के धाम दिल में जब कतीब का ज्ञान भी आ गया तो उसको अहमद की शोभा मिली। कैसे मिली? कतीब का ज्ञान भी आ गया, वैसे तो था लेकिन ये समय जाहिर हुआ। ध्यान से सुनिए, ये समय जाहिर हुआ, ये समय पहले से निश्चित किया गया था। मोहम्मद मिले इसे मीने, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मीने, तीनों मिले हुए इमाम। अब बसरी और मलकी दोनों मिलकर यहाँ हक्की का स्वरूप धारण किया और यहाँ मोहम्मद मिले इसे मीने, तब अहमद हुआ श्याम, तो यहाँ हादी और मेहंदी, मेहंदी मतलब महामती की शोभा, और जो तीनों का स्वरूप एक हुआ तो यहाँ इमाम की शोभा मिली। और आगे सुंदर शाह जी इस प्रसंग को जोड़ते हुए हम दिल्ली पहुँचे। कहाँ पहुँचे? आज हम दिल्ली से आगे हरिद्वार के प्रसंग की ओर आगे बढ़ना है, तो हम वहाँ से गोकुल मथुरा आगरे में थोड़े दिन रुकते हुए हम दिल्ली पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जब श्री जी पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत ठट्ठा नगर के सुंदर साध भी आके मिलते हैं, क्योंकि ठट्ठा नगर के सुंदर साध की रास्ते में जागनी करते करते श्री जी दिल्ली पहुँचे तो वहाँ ठट्ठा नगर के सुंदर साध भी आके मिलते हैं और अन्य और शहर नगर के सुंदर साध भी वहाँ श्री जी को आके मिलते हैं। और इतना नहीं, और आगे सुंदर साध जी मुकुंददास जी, कौन मुकुंददास जी कहाँ मिले थे और वो कौन है, एक एक सखी को हम आगे और भी उसी के बारे में विस्तृत जाने कि जो मुकुंददास जी है वो परमधाम की कौन सी वासना है? नवरंग बाई की। किसकी है? नवरंग बाई की। तो ये मुकुंददास जी ने सूरत में तारतम ले लिया था, तभी उसका अभी नया नया ताजा ही विवाह हुआ था, तो जब वहाँ से मुकुंददास जी नहीं चले उसी टाइम जब श्री जी निकले, तब 1731 के 32 में 17 महीने रुकने के बाद सूरत से, तो तब मुकुंददास जी के अंदर आगे जाके और समय जाने के बाद वैराग के अंदर पैदा होने लगा। आज यही समय आ गया जब श्री जी दिल्ली पहुँचे कि अब तो मैं धनी के बिना कैसे रह पाऊँ, तो अपनी पत्नी को पूछा कि तू भी मेरे साथ चल, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया कि अभी अभी तो हमारी नई शादी हुई है, अभी तो संसार की कोई इच्छा भी नहीं पूरी की, संसार भोगा भी नहीं, मैं तो कहीं नहीं साथ में आऊँगी, मैं तो घर में ही रहूँगी। और क्या बोला कि आपको वैराग्य ही बनना था, वैराग्य ही लेना था, तो मेरे साथ शादी क्यों की? सुंदर साथ ये किसकी कहानी है? मुकुंददास जी की। क्या क्या हमारे घर में ऐसी घटना घटित नहीं होती? किसी के घर में पुरुष सुंदर साथ को राज्य पर ईमान आ जाता, सुनिए ध्यान से, तो उसकी पत्नी लड़ती रहती, झगड़ती रहती, कह रहे भाई रोज राज्य के मंदिर में बैठे रहते, घर में भी पूरा दिन ध्यान चर्चा चितवनी, ये क्या राज्य 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 पूरा दिन करते रहते हो, क्या घर काम की ओर ध्यान ही नहीं देते पूरा दिन, चर्चा चर्चा रोज ही 4 बजे से 6 बजे तक रोज चर्चा में चले जाते हो, क्या कहते? रोज ही 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चर्चा में ही बैठे रहते हो। जो घर में मान लो कि किसी की पत्नी को राज्य पर ईमान आ गया, उसकी श्रद्धा निष्ठा बन गई एक अक्षरातीत पर, तो उसके पति झगड़ते, हमने भंसारी लोगों को नहीं देखा क्या? कहाँ? अबासी बंदर में वो अपनी पत्नियों के साथ नहीं झगड़ता था, तो किसका प्रसंग है ये? तभी
अबासी बंदर का था, फिर ये मुकुंददास जी का, लेकिन अभी वर्तमान में अभी हम सुन रहे तो अभी किसी पर घटित होता रहा, अब किस पर घटित हो रहा है? हमारे पर, हमारे घर में भी सभी सदस्य जब राज्य की वाणी को नहीं पहचानते तो घर में भी ऐसा होता रहता ने वातावरण कि भाई पूरा दिन क्यों ऐसे ही राज्य की बातें, बस पूरा दिन राज्य राज्य राज्य, आपको तो घर काम में कोई ध्यान ही नहीं है, और कितने दिनों से वहां बित्तक सुनने के लिए चली गई हो। यहां ये मुकुंददास जी का प्रसंग लेकर सुंदरसा जी हमको समझा रहे हैं, सबको वहां जाना है, सबको पहचान करनी है। देखो यहां एक की पहचान क्या है और एक की क्या पहचान है, तो हम दोनों गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं, एक पहिया नहीं चलता, एक चलता है तो क्या गाड़ी अपनी अंतिम यात्रा जो जहां हमारा लक्ष्य केंद्रित किया है और जो हमारा डेस्टिनेशन है, क्या वहां तक पहुंच पाएगी? जब दोनों पहिया ठीक रहेगा तभी तो गाड़ी वहां पहुंच पाएगी। तो यहां राज जी ने मुकुंददास जी के द्वारा ये बताया, और आगे गोवर्धन भाई को कल मेरते से कहाँ भेजा था? अटक पार, जसवंत सिंह के वहां, ये भी आके दिल्ली में श्री जी को मिलते हैं। और आगे और भी सुंदर साथ, जब गोवर्धन भाई अटक से आते हैं और आके जब खोजते हैं तो रास्ते में उसको कौन मिलते हैं? गरीबदास नागजी भाई, उसी के माध्यम से उसको पता चलता है कि श्री जी कहाँ है। तब नागजी भाई गरीबदास बताते कि श्री जी विठलेश गौर की क्षत्रिय की हवेली में है, चलो वहाँ। तो पहले गोवर्धन भाई गंगाराम की दुकान पर जाते हैं। सुंदरसा जी घटनाक्रम को, एक एक प्रसंग को, एक एक सुंदर साथ का नाम सुनकर अपने दिल में क्या लेना है? हम भी उसी प्रसंग को सुनकर कैसे, वो देखो मैंने अभी केशवदास जी की बताई, अभी कौन आएगा? ये गोवर्धन भाई का प्रसंग वैसा वाला ही है, सेम बराबरी का ही है। तो गोवर्धन भाई गंगाराम की दुकान पर बैठकर कोई बेकार की बातें नहीं करते, क्या करते, कोई फालतू बातें नहीं हो रही है वहां, किस किस को जगाते हैं? गंगाराम को पहले जगाते हैं और उसके बाद वहाँ नैनसुख महाजन आते हैं, उसको जगाते हैं, आशाजीत वकील आता है, उसको जगाते हैं, और सबको लेकर कहाँ जाते हैं? सबको लेकर श्री जी के पास, और श्री जी के पास क्षत्रिय की हवेली में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद सब सुंदर साध भी उस श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं। उसी के बाद नैनसुख महाजन दयाराम को भी लाते हैं, दयाराम फिर चंचल जी को लाते हैं। देखो ये सुंदर सात का जो मैं नाम ले रही हूं ने, हमारी 12 मोमिनों में अग्रगणी प्रमुख भूमिका की उसको निभाएंगे। उस मोमिनों का नाम सुनते ही अंदर पवित्रता बन जाएगी, निर्मलता बन जाएगी। जब चंचल जी और आगे दयाराम बताया, गंगाराम, ये सब की क्या भाव रहती है, या आगे एक एक प्रसंग से सुनिए। यहाँ देखो गोवर्धन भाई अब्बासी बंदर से आए, कितनी आत्माओं की जागनी की कि ने, जसवंत सिंह तो नहीं जगे, हमने कल सुन लिया, यहाँ इस आत्माओं को जगाया। और जैसे वो आत्मा जगी तो देखो एक मोमिन, एक सुंदर साथ, एक सुंदर साथ से जगेगे तो वो भी कार्य क्या करने लगेगे बेटा, क्या करने लगेगे, वो भी जागनी के कार्य करने लगेगे। तो आप सब बच्चे बैठे हो ना अभी, अगेंद्र सब सागर जो भी, आप ध्यान से सुनिए, पारस सुनिए ध्यान से, ठीक है? मैं सबका बीच में इसलिए नाम रामेश्वर कि आपके अंदर जो भी ज्ञान की सुगंधी, आप अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो ने, वाणी का हो, वित्तक का हो, ठीक है, परमधाम के 25 पक्ष की चर्चनी का हो, चाहे कोई भी शास्त्र, धर्मशास्त्र में वेद या उपनिषद या अष्टाध्याय
जो भी आप कर रहे हो, तो आपके अंदर राज्य की कृपा से जो भी सुगंधि अंदर जा रही है, नहीं जा रही है तो आप प्रयास करिए। क्या करिए? आप प्रयास करिए, मेहनत करिए कि और बच्चे पारस तो ध्यान से सुन बेटा, ये कोई गोवर्धन भाई की बात नहीं चल रही है, आज तू प्रथम बार आया है, ठीक है, राज्य की नजर में रहो, आया भी प्रथम बार हो आज बैठक में भी, ठीक है। तो क्या करना, जो हमारे अंदर ये श्लोक कंठस्थ नहीं हो रहे, कोई शास्त्र के या वाणी की चौपाइयाँ याद नहीं आ रही है, नहीं कंठस्थ हो रही है, या परमधाम की लीला का मैं सिर्फ बच्चे को नहीं कह रही हूँ, सुनिए किसको बोल रही हूँ, आप सबको, और मेरी आत्मा को भी वो लागू होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से उपदेश दे रही हूँ तो मेरे को लागू नहीं होगा, मैं आपकी ओर एक अंगुली निर्देशन कर रही हूँ ना, तो चार तो किसी और है, मेरी ओर है ना, तो पहले लागू किसको होगा, मेरे को, ठीक है। तो सुंदर साथ जी और बच्चों और आप भी घर में सिर्फ चार दीवार में ये करने के लिए नहीं आए हो कि सुबह को उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर बस घर में झाड़ू पोछा लगाया और भोजन खाने का बनाया और बस फिर और इधर उधर की बात या फालतू या पड़ोस या खेत में काम किया, फिर दोपहर को घर पे आए, खाना खाया, फिर थोड़ी देर सो गए, उठ के फिर घर काम की झंझट, फिर शाम को खाने का, क्या ये करने के लिए हम आए इस संसार में? क्या करने के लिए सुंदर साजी हम आए इस संसार में? वैसे तो वैसी वाली सृष्टि तो युगो युगो से बनती थी और लय को प्राप्त होती थी, बहुत बार इस जीव ने अनेक बार जन्म लिया, मरे, कई सृष्टि में सुख दुख भोगे, और क्या तारतम ज्ञान ध्यान से क्या ये ब्रह्मवाणी अमृत अभी तक इस संसार में आई थी? क्या कोई काल में आने वाली है फिर? तो ये समय कब का है रामेश्वर? अभी का, ठीक है। तो जो वाणी अभी मिली है वो कोई काल में आई नहीं थी और कभी भी भविष्य में आने वाली भी नहीं है। तो ये जो सुवर्ण, ये अवसर जो हमको मिला है सुंदर साथ जी, ये अवसर केम भूलिए, एक कोलिय अन्न और संभारो साथ अवसर आवियो छे हाथ जी। ये सुंदर सा चल के क्या दिखा रहे, मेरे को रोज लगता है कि मैं क्या प्रसंग को आगे बढ़ाऊँ, ये कोई कथा थोड़ी है कि जैसे और भागवत कथाकार या कोई पुराणों के कथाकार या कोई कोई भी प्रवचन करने वाले विद्वान कथाकार है, वो भी एक दृष्टांत या कोई दाखला या कोई भी कथा कह के, वो भी बस राम की हो या कृष्ण की हो कथा कह दी, सब श्रोता लोगों ने सुन ली, फिर कपड़े झाड़ के निकल गई, ये कथा थोड़ी है, ये किसकी बात है? हमारी बात है, किसकी बात है? एक एक प्रसंग को हमारे पर लेना है। तो बच्चों ध्यान से, क्योंकि आपका अध्ययन चल रहा है, ठीक है, आप एक एक मिशन के, एक निजानंद हमारा जो सच्ची राह के, एक नींव के आप पत्थर हो, एक पाया की नींव के, और आगे जाके भविष्य के एक तारे हो, और आपको आगे जाके कितना प्रकाश इस संसार में फैलाना है ये ब्रह्मवाणी का। इतना नहीं, ये परब्रह्म को जाहिर करके क्यों ना देखें दुनिया जो इनको ना करे अखंड। तो ये संसार में ये ब्रह्मवाणी का प्रकाश कौन फैलाएगा? हम हमारा सुंदर सा समाज जो ऐसे ही मतलब मौज मस्ती से ऐसे सुख चैनगी जो लाइफ या जीवन बिताएंगे, तो क्या संसार के जीव ये प्रचार करेंगे? तो यहां क्या बताया कि जिनको पहुंचे तारतम सोई करे रोशन, तो यहां गोवर्धन भाई। तो बच्चों अब कछुआ की चाल नहीं चलना, कैसे चलना है? धीरे धीरे नहीं अगेंद्र, कैसे चलना है? रात दिन जगकर सुत कात सवा के शेर, पासेर, आधे शेर, पौने शेर, शेर या सवा शेर,
सुंदरसा जी राज्य की वाणी के किरणतन है, उसमें कोई आई, ध्यान से सुनिए, कोई आई तो किसी ने कितना काटा, शेर काटा, किसी ने आधे शेर काटा, किसी ने पौने शेर काटा, किसी ने शेर काटा, तो जिसने शेर काटा ने सुत वो खुद जगी, और जिसने सवा शेर काटा वो तो जगी और दूसरे को भी जगाया। क्या बोला? सवा शेर सुत कातना है, हमने अभी पासेर भी काता नहीं है, तो अभी और आगे यू तैयारी की जो आगू करनी है दोट। सुंदर सा जी एक एक अंग में इस कले के कहां पहुंचना है? परम धाम मूल मिलावे में। बोलिए श्री प्राणनाथ। एक इसका प्रसंग हुआ तो अभी मैंने समझाया, तो गोवर्धन भाई का ही हमारा हुआ ने, तो घटित हुआ या नहीं हमारे पर? हुआ ने बेटो, चलो आगे बढ़े हम। तो गोवर्धन भाई ने सबको जगाया, और जो जिसको जगाया, चाहे तब चंचल जी थे और दयाराम जी थे और गंगाराम थे, जो जो सुंदर सात का नाम सुना, आज नाम बदल गए हैं, जागनी का कार्य तो वही मिशन वाला ही चल रहा है जो 400 वर्ष पूर्व चल रहा था। तो यहाँ गंगाराम भी बाजार से जो जो चीजें अच्छी मिलती है ना, वो लेके रोज ही बाजार से, चाहे सरसावा से आते हैं, चाहे सहानपुर से आते तो बाजार में से, चाहे और आगे कोई अंबाला से आते तो अच्छी चीजें मिलती, तो रास्ते में से खरीद के लाते कि चलो मैं आज चर्चा सुनने के लिए जा रहा हूँ, तो राज्य के लिए कुछ महंगी महंगी चीज़ें लेके भोग लगाने के लेके जाओ। घर में तो परिवार के लिए तो मैंने बहुत से खर्च, बहुत से धन लगाए, मैंने राज्य की सेवा में अभी तक लगाए नहीं है। वैसे दयाराम भी मिठाई वानगी कई प्रकार की चीज़ें लाते हैं, चंचल जी अपनी दुकान से चोरी करके लाते हैं, चोरी मतलब वो वाली चोरी नहीं, घर के लोग कंजूस थे तो जो अपने दिल का प्रेम वो कभी भी जाहिर नहीं करते थे, और राज्य के लिए वो भी कोई कोई चीज़ लेकर आते थे। तो ये सब सुंदर साथ जी कैसे राज्य की सेवा में जुड़े, ये राज्य ने हमको बताया। और आगे लाल दरवाजे की हवेली में सुंदर साथ जी दयाराम और नैनसुख जी श्री जी को लाल दरवाजे की हवेली में लेके गए, और वहाँ जाके श्री जी आशाजीत वकील को किसको मिलते हैं? आशाजीत वकील को मिलते हैं, और उसको जो 22 प्रश्न तैयार किए थे, पहले हिंदी में, किस में तैयार किए थे? हिंदी में। तो हिंदी में जो तैयार किए थे वो बताए, तो आशाजीत वकील ने क्या बोला कि भाई औरंगजेब बादशाह तो मुसलमान और शरीयत के पक्के है और कट्टर है, ये हमारी हिंदी भाषा में लिखे हुए 22 प्रश्नों को वो नहीं सुनेंगे और क्या करेंगे, वो तो कैसा है, ये हिंदुओं का दुश्मन है, ये अपने को मोमिन कहता है और हिंदुओं को काफिर कहता है, ये हमारी बात को नहीं मानेंगे। तब आशाजीत को हमने छोड़ दिया, और श्री जी आगे ये 22 प्रश्नों को कैसे फारसी में तैयार करेंगे ये हम अगले प्रकरण में देखेंगे। लेकिन आगे राज्य ने क्या बताया कि चलो हम ऐसे करें कि अब औरंगजेब बादशाह को जगाना है तो एक जगह निश्चित कर ले कि जहाँ किसी को भनक भी ना लगे, क्योंकि वो हिंदुओं को कट्टर, हिंदुओं का कट्टर विरोधी है ना, तो जो उसके साथ श्री जी के साथ जो सुंदर साथ की जमात थी, कोई बुढ़े थे, कोई बच्चे थे, कोई युवान सुंदर साथ भी थे, तो यहाँ श्री जी ने सोचा कि जो युवान सुंदर साथ है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें से भी हम पुरुष सुंदर साथ को लेकर और आगे बढ़े, क्या औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए, और जो बुढ़े है और बच्चे उन्हीं को एक ही जगह निश्चित करके वहाँ सुरक्षित जगह पर रख दे और हम जागनी कार्य में
आगे बढ़े। तो यहाँ अंतिम चौपाई में सुंदर सात जी बताया कि आगे गुप्त रूप से हम उसकी देखभाल करते रहेंगे। तो आगे इस प्रकरण के माध्यम से राजी चौपाई के माध्यम से क्या बता रहे हैं हम आगे देखें। और महामत कहे साथ जी ये याद करो धनी तुम उतरी मेहरक से जगाओ अपनी आत्मा। यहाँ महामत कहे साथ जी हे सुंदर साथ जी इस प्रसंग को तुम याद करो कि जब तुम आगे किस जगह पर सुरक्षित स्थान पर बूढ़े और बच्चे और सुंदर साथ को रखा और कैसे युवा वर्ग हमारा संदेश देने के लिए जागनी कार्य में आगे बढ़ते हैं। तो इन समय सूरत से आया लक्ष्मी दास। इस समय सूरत से कौन आते हैं, कौन आते हैं? लक्ष्मी दास अपने परिवार को लेकर दिल्ली में। तो पहले हमें लक्ष्मी दास जी का प्रसंग सुने, उस प्रसंग उस घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाए। तो ये जो किस्सा घटित होता है जब श्री जी सुंदर सात सहित दिल्ली में थे तब वहाँ लक्ष्मी दास अपने परिवार सहित वहाँ आते हैं और उसी के साथ एक विचित्र घटना घटित होती है। सुंदरसा जी उस प्रसंग के माध्यम से आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब राज्य की प्रेरणा से धामधनी उस प्रसंग के माध्यम से क्या सिखापन क्या बोध देना चाहते हैं, ये आप आगे सुनिए कि लक्ष्मीदास के साथ एक विचित्र घटना घटित होती है। उसके साथ एक आवेश लीला राज्य का आवेश आता है और दर्शन लीला प्रारंभ हो जाती है। कहाँ? उसी के घर में। और वो श्री जी के पास आते हैं और आके अपना प्रसंग सुनाते हैं कि श्री जी हे प्राणनाथ जी हे धाम के धनी मेरे साथ एक विचित्र लीला शुरू हुई है। रोज आवेश आता है मेरे तन में और राज्य का दीदार भी प्रत्यक्ष होता है। तब श्री जी ने क्या बोला कि हे लक्ष्मी दास तो कोई बात नहीं क्योंकि राज्य की लीला तो कोई भी सुंदर साथ पर होती है। किसी किसी सुंदर साथ पर राज्य की जब मेहर होती है तो वैसे ही आप पर भी राज्य की कोई विशेष मेहर हो रही है। तो श्री जी ने क्या बताया आगे जाके कि हे सुंदर साथ जी और जो अन्य सुंदर साथ थे उसको बताया कि हे सुंदर साथ जी आप ऐसे करो ये लक्ष्मी दास को आप मेरे आगे का आसन दो और आगे आसन बिछाओ उस पर लक्ष्मी दास को बिठाओ क्योंकि राजी किसी पर भी मेहर कर सकते हैं। तब लक्ष्मी दास जी ने बोला कि हे श्री जी मैं आपके आगे आसन बिछा कर मैं नहीं बैठ पाता, मैं ऐसा करूं आपकी बराबरी का मैं आसन बिछा कर बैठ सकता हूँ। तब श्री जी ने सुंदर सात को बोला कि आप ऐसे करो मेरी बराबरी के आसन बिछा दो। तब बराबरी के आसन बिछाए। इतना नहीं श्री जी ने और आगे बोला सुंदर सात जी श्री जी की लीला तो देखो कैसे धनी हमारे पर लाड करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, जागनी कार्य की शोभा देते हैं। तो ऐसा करो कि वो आगे चले गए जिसको ये शोभा राज्य देना चाहते लक्ष्मीदास मैं आपके पीछे चलने के लिए भी तैयार हूँ। तब लक्ष्मीदास जी ने बोला नहीं मैं बराबरी में बैठूंगा। तो भी श्री जी ने बोला कि कोई बात नहीं आप आगे चलो मैं आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। तब जब बराबरी के आसन बिछाए और लीला प्रारंभ हो गई तो जब श्री जी जब बैठते थे तो पास में उसके लगते हुए जब लक्ष्मीदास जी का भी आसन बिछाते थे
तो रोज श्याम भट्ट और भीम भट्ट श्री जी को प्रणाम करने के लिए आते थे और पहले श्री जी के चरणों में प्रणाम करके अंदर मंद स्वर से हंसते थे और व्यंग्य स्वरों में कहते थे, क्या भीम भट्ट और श्याम भट्ट के, हे धामधनी, हे अक्षरातीत, हे सच्चिदानंद लक्ष्मीदास, आपके चरणों में प्रणाम हो। क्या ताना मारने लगे, हे अक्षरातीत, हे धामधनी, आपके चरणों में प्रणाम हो। तो रोज ऐसे दो तीन दिन लगातार चलता रहा। तीसरे दिन, क्योंकि उसी के अंदर लक्ष्मीदास के अंदर एक अहंकार था सूक्ष्म के, देखो मेरे तन से आठवें दिन शाकुमार की जागनी होगी। तो श्री जी ने बोला कि ठीक है, राजी किसी किसी को शोभा देना चाहते हैं तो जागनी तो होगी होगी, लेकिन तीसरे दिन, ध्यान से, तीसरे दिन जब तीन दिन तक ऐसा चलता रहा तो जब उसी के अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गए और अंदर मौन होके, अंदर शांत होके लक्ष्मीदास बैठ गए। फिर चौथे दिन वो पास में नहीं बैठे, ऐसे करते करते जब आठवां दिन आया तो आठवें दिन राजी ने दर्शन दिया प्रत्यक्ष। तब लक्ष्मीदास जी ने पूछा, क्या पूछा, कि हे धनी, आप सकुमार बाई की जागनी कब कराओगे मेरे तन से। तब श्री जी अंतर ध्यान हो गए, इसी पल में, इसी क्षण में श्री जी अंतर ध्यान हो गए धामधनी। तब तो लक्ष्मीदास अंदर दुखी हो गए और मौन होकर सभा में बैठ गए। सुंदर साथ पूछने लगे, क्या लक्ष्मीदास, आठवां दिन, श्री जी ने भी पूछा, आठवां दिन आज हो गया, क्या आपको राजजी का दर्शन हुआ, तो फिर क्या करे, शांत होके बैठ गए। उसी के पास कोई जवाब देने का बल ही नहीं रहा था। तो सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग के माध्यम से राजजी क्या समझाना चाहते हम सुंदर साथ को, इसी प्रसंग के माध्यम से मैंने कल एक बात रखी थी, जब केशवदासी का प्रसंग चला था तब क्या रखी थी, कि ये तो अक्षरातीत था, उसी प्रसंग को लेकर मैंने बताया था कि आज हमारे समाज में जो एक परंपरा, एक फैशन चल पड़ी है, कोई महिला सुंदर साथ अपने को राजजी, कोई अपने को श्यामा जी की शोभा लेके बैठी है। उसी प्रसंग को मैं यहाँ भी जोड़ती हूँ, क्योंकि लक्ष्मीदास का प्रसंग भी और आगे हम सब आत्माओं को प्रबोधित कर रहे हैं। क्या, कि हे सुंदर साची, देखो लक्ष्मीदास पर कैसी हंसी हुई, स्वयं राजजी ने आके बोला था कि हे लक्ष्मीदास, तुम्हारे तन से आठवें दिन इस सकुमार की जागनी होगी। तो क्या जागनी हुई, हुई नहीं हुई ने, या राजजी ने क्या सिद्ध करके दिखाया कि तुमको कोई संत, कोई गादीपति, क्या कोई आचार्य या कोई विद्वान या चाहे कोई भी या परमहंस तक, या इतना नहीं, या बताया कि स्वयं राजजी के मैं भी कहूं ने तो भी मेरी बात को सच्ची मत मानना, क्योंकि ये मेरे कहे हुए वचन तो थे, तो भी मैंने झूठ करके सिद्ध कर दिया, क्योंकि पहले से वाणी के कथन को मानना है, क्योंकि वाणी के कथनी अटल सत्य है। कैसा है, यही अटल सत्य है। जो वाणी के कथन को सुंदर साथ नहीं मानेंगे, वाणी पर अपनी आस्था या श्रद्धा या अपनी निष्ठा नहीं रखेंगे, तो सुंदर साजियां क्या बताया कि ये तो मैंने महामति को पहले से शोभा दे रखी है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, तो मैं आज उसी बात को विस्तार से नहीं बताऊंगी। तो जो प्रसंग को कल मैंने महिलाओं को लेकर जोड़ा था, इसी प्रसंग में मैं इतना ही कहूंगी, आप सब सुंदर सा ध्यान से सुनिए कि यहाँ सुंदर सा जी परमहंसों को भी, जितने जितने हमारी निजानंद संप्रदाय की सिद्धांत को लेकर और यही परंपरा में जो परमहंस हुए,
उसी को भी राज्य ने अक्षरातीत की शोभा दी नहीं है। हाँ, लालदास जी को एक महामती की शोभा मिली वितक लिखने के लिए, लेकिन किसी को अक्षरातीत की शोभा नहीं मिली है। तो परमहंसों को नहीं मिली तो विचार कीजिए, हम सुंदर साथ ये महामती अक्षरातीत की शोभा कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ एक राज्य पर आस्था, एक राज्य पर निष्ठा बताई। इसी प्रसंग से हम यह सिखापन लेंगे कि सुंदर साथ जी, हम भी होई भ्रम होई बात में हम मना फंसे, तो ये प्रसंग को लेकर हम आगे बढ़े। तो धाम धनी क्या बता रहे, तो आगे श्री जी वहां से एक निर्मल दास और चार सुंदर साथ को खड़कारी के राजा के पास भी भेजते हैं कि जाओ उसके अंदर परम धाम का अंकुर है या नहीं, आप देखो और उसको संदेश दियो। क्योंकि श्री जी ने क्यों बोला कि जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो, हे राजाओ हे राणाओ हे जोधा उठ खड़े हो जाओ, और आपके अंदर अज्ञानता रूपी जो नींद है उसको छोड़ो और औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो एक एक राजा को जगाने के लिए श्री जी एक एक राजा को ढंढोड़ते और वहां सुंदर सात को भेजते हैं और क्या कहते हैं कि जाओ उसी के अंदर परम धाम का अंकुर है। और इतना नहीं, आगे भी कहते हैं कि वो माया की ओर जी रहा है या संसार की ओर या परमात्मा की तरफ, मतलब यहाँ तो ये परमात्मा की ओर से तो मरा हुआ है और माया की ओर जीवित है, तो वहाँ जाके देखो उसी के अंदर कोई एक राष्ट्र के लिए एक क्या कोई परम तत्व प्राप्त करने के लिए उसी के अंदर कितनी जिज्ञासा है, तो आप वहाँ जाके उसको संदेश दो। तो यहाँ सुंदर साथ जी निर्मल दास जी के साथ चार और सुंदर साथ को भी खड़कारी राजा के पास भेजते हैं और वहाँ जो 22 प्रश्न पहले हिंदी भाषा में थे वो यहाँ फारसी भाषा में भी लिखवाया। और लिखने के बाद लालदास जी और भीम भाई को संदेश देने के लिए दिल्ली भेजते हैं, किसको, औरंगजेब बादशाह के पास। और औरंगजेब बादशाह के पास जब भेजते पीछे से जबराइल का जोश इल्हाम संदेश लेकर आया कि भाई अभी महामती के धाम दिल में संदेश आया कि अभी औरंगजेब बादशाह को जगाने का समय अभी नहीं हुआ है, हम जाएंगे तो सही लेकिन हमारा काम नहीं बनेगा, इतना नहीं इस काम में असफलता मिलेगी, तो आप जल्दी से कांजी भाई को भेजा पीछे से, कांजी भाई आप जाइए जल्दी से उस दोनों उन दोनों को वापस बुला कर लाइए। फिर वहां कांजी भाई गए और दोनों को वापस बुला कर लाए और वापस बुलाने लाने के बाद सुंदर साथ जी फिर क्या लीला होती है ये धाम धनी हमको आगे बता रहे हैं कि अब श्री जी क्या सोच रहे हैं कि चलो अब औरंगजेब बादशाह के पास कैसे हम क्यामत संबंधी और सात निशान संबंधी संदेश भिजवाए वहाँ पहुँचाए कि वो एक अल्लाह ताला खुदा ताला की पहचान करे। तो यहाँ अंतिम छपाई में धाम धनी ने क्या बताया कि तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसुख, तुमको न मानेगा पड़ेगी इनसे चुक, अभी हमारा संदेश वो नहीं मानेंगे असफलता मिलेगी तो हम उत आवन देओ। अंतिम चौपाई में क्या बताया, हम उनको वहाँ आवन देओ। तो श्री जी ने बताया कि मैं वहाँ आ रहा हूँ और आने के बाद ध्यान से वहाँ मैं जब आ जाऊँ आने के बाद हम सब सुंदर साथ साथ में बैठकर
मसलत करेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, उसी के बाद कैसे संदेश पहुंचाए ये प्रकरण में सुंदरसा जी बताया। और वहां एक माह रहने के बाद फिर शाहजहानपुर बोड़िया, और शाहजहानपुर बोड़िया यहाँ आसपास में, शाहजहानपुर सहारनपुर जिले में पड़ता और बोड़िया हरियाणा प्रांत में पड़ता है, दोनों के बीच शायद 20-22 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ शाहजहानपुर बोड़िया और वहाँ आते के वहाँ नागजी भाई गरीबदास भी मौत के सकंजे में आ जाते हैं। श्री जी अपनी जोश की शक्ति से उसको बचा लेते हैं और शाहजहानपुर बोड़िए और श्री जी वहाँ से हरिद्वार के कुंभ के मेले की ओर प्रस्थान करेंगे थोड़े सुंदर साथ को लेकर। और वहाँ कैसे 4 माह तक लीला होगी, आगे इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए मास एक ही तरह फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार से ताको को विस्तार, वहाँ शाहजहानपुर बोड़िए 1 माह रुक कर हरिद्वार की ओर प्रस्थान किए। और ये वर्णन लालदास जी हमको आगे सुना रहे, साका साली वाहन का सोर से पुरन, बैठे साका विज्ञा अभिनंद का तब फिराए फिर के सयन। साका साली वाहन का यहाँ क्या बताया, सालियवन साका 1600 पूर्ण हुआ और विद्याभिनंद साका की शुरू, विद्याभिनंद साका शुरू हुआ। सालिवन साकतुगतम सोड़ाकम सातम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल की पादुर भविष्यति, ये भविष्य दीपिका का कथन है। और यहाँ भी बताया शालिवन साका 1600 पूर्ण हुए और विद्याभिनंद साका शुरू हुई। और विक्रम संवत 1735 का वर्ष भी व्यतीत हो गए उसी समय, और विक्रमादित्य के नाम से जो विक्रम संवत चलता था वो 1735 का समय वो साल भी व्यतीत हो गए उसी समय, सभी सुंदर सात के सामने, श्री जी के सामने सभी आचार्य कौन कौन से, वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्य, रामानुज आचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य, और 10 नाम सन्यासी और 6 दर्शन शास्त्र के आचार्य कौन कौन से, सांख्य मीमांसा वेदांत पतंजलि योग और वैशेषिक, ये 6 दर्शन शास्त्र के आचार्य के साथ श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ के बाद सभी आचार्यों ने श्री जी को श्री विद्याभिनंद निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की घोषणा भी की, और इतना नहीं उसी नाम की ध्वजा भी फहराएंगे, और इतना भी नहीं, और सुंदर साजी आगे जो जो लीला प्रारंभ, ध्वजा भी फहराई, साका भी शुरू की और शास्त्रार्थ हुआ। और जब श्री जी सुंदर सात को लेकर हरिद्वार के कुंभ मेले में जो दर हर 3 साल में एक जगह कुंभ का मेला होता था, तो वैसे एक जगह 12 साल के बाद फिर दोबारा मेला लगता था। तो यहाँ हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद, तो यहाँ श्री जी जब 12 साल के बाद लगने वाले मेले में श्री जी पहुँचते हैं कहाँ, हरिद्वार, तो वहाँ जाके सबसे प्रथम विष्णु
संप्रदाय के चार आचार्य में जो पहले रामानुज आचार्य का श्री जी के सामने कैसा शास्त्रार्थ होता है, इस प्रसंग को आगे बढ़ा। इससे पहले हम थोड़ा और आगे सुन ले कि जैसे श्री जी सुंदर सात की जमात को लेकर वहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, हरिद्वार में। तब जो हिंदू संस्कृति की जो प्रचलित संप्रदाय की जो प्रचलित मान्यताएं थी, उसी के अनुसार श्री जी की वेशभूषा अलग थी, क्योंकि हिंदू संस्कृति की जो संप्रदाय की प्रचलित मान्यता है उसमें भाल में तिलक हो, ऊपर गले में कंठी हो, वेशभूषा भी अलग संन्यास जैसी हो, ऐसा श्री जी ने नहीं पहन रखा था। तो यहाँ उन लोगों ने जब ये देखा तो उसने पूछा, तुम कौन से संप्रदाय के हो? इतना नहीं सुंदर साथ जी, तभी उसी समय मोगल शासन चल रहा था और औरंगजेब बादशाह का जो शासन तभी चल रहा था, तो उसने उसी समय मथुरा, काशी और हिंदू संस्कृति के कई धर्म स्थान में, कई मंदिरों में, कई और धर्म स्थानों में इतना त्राहिमाम मचा रखा था कि उन लोगों को यह डर बैठ गया, यही संशय बैठा दिल में कि कदाचित ये लोग औरंगजेब बादशाह के मिले हुए तो नहीं है ने, ये हमारे दुश्मन बनकर तो नहीं आए हैं ने, क्योंकि हिंदू संस्कृति की जो संस्कृति के जो प्रचलित संप्रदाय की जो मान्यताएं है उसी के अनुसार तो उसी का कोई चिन्ह, कोई प्रतीक ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उसने पूछा कि आप कौन से संप्रदाय के हो, क्योंकि प्रचलित संप्रदाय से तो आप अलग ही लग रहे हो। तब श्री जी ने जाके बोला कि तुम तो प्राचीन हो, प्राचीन संप्रदाय की प्रचलित मत संप्रदाय के हो, तो तुम ऐसा करो, मेरे को धर्म ग्रंथों के ये आचार्य जनों, ये संत जनों, मेरे को सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के साथ तुम अपनी जो प्राचीन प्रचलित पद्धति छे है उसको पुरवार करके प्रमाण देके मेरे समझाओ, और इतना नहीं ये जीव की अखंड मुक्ति कहाँ पर है ये भी मेरे को समझाइए, इतना नहीं मेरे हृदय में जो जिज्ञासा है, जो संशय है, उस शंका का भी आप समाधान करके बताइए, ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ आगे सुंदर सात जी हम प्रसंग को आगे बढ़ाए तो मृत्यु को जीतकर सभी मनुष्य की, प्रायः सभी मनुष्यों की यही इच्छा रहती है कि हम अमर तत्व को प्राप्त कर ले, अमृत को पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर ले। स्वाभाविक रूप से मनुष्य रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से डरते हैं। किससे डरते? एक रोग से डरते, एक बुढ़ापे से डरते, और अंतिम किससे डरते? मृत्यु से डरते। तो यहां भी एक पौराणिक मान्यता के कथन के अनुसार, ये वास्तविकता तो नहीं है, ये पुराणों का एक कथन है कि एक बार देवों और दानवों के बीच देवासुर संग्राम हुआ, और जब समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। ये 14 रत्न में 14वां रत्न था अमृत का कुंभ, और अमृत का कुंभ आया तो दानवों के हाथ में, लेकिन कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके, छल करके देवों को दे दिया, और देवों वो अमृत कुंभ को लेकर जब आगे आगे भागने लगे, और पीछे दानवों भी उसने पीछा किया, और जहाँ जहाँ देवों के हाथ में जो अमृत का कुंभ था, और ये जब उससे से कोई कोई बूंदे
नीचे गिरने लगी, ढुलकने लगी, तो चारों जगह, ये पौराणिक मान्यता का एक कथन है, तो चारों जगह कहाँ कहाँ, चारों स्थान, एक हरिद्वार, एक इलाहाबाद, हरिद्वार में गंगा जी, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, और दो जगह नासिक और उज्जैन, तो छिपरा और गोदावरी। तो ये चारों स्थानों पर ये बूंदे गिरी, तो ये लोग वहाँ जाते के चारों जगह ये जो अमृत की बूंदे गिरी है, तो वहाँ स्नान करने मात्र से हमारी अखंड मुक्ति, जीव की अखंड मुक्ति हो जाएगी। तो इसी मान्यता का आधार लेकर और संसार के और अन्य मनुष्य भी वहाँ चारों स्थानों में जब कुंभ का मेला लगता है उसी में भी एक शाही स्नान मुख्य होता है, तो उसी टाइम तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ नहाने के लिए, और नहाने से मात्र क्या मान रखा है कि मुक्ति मिल जाएगी। और साईं बुले शाह की एक पंक्ति है, क्या है, गंगा गए गल मुक्ति नहीं जो सो बार डुबकी लगाइए, गैया गए गल मुक्ति नहीं जो सो बार पिंड दान करिए, और मक्का गए गल मुक्ति नहीं जो सो बार नमाज पढ़िए। क्या बताया कि बाहरी आडंबर वाली ऐसी कर्म कांड की आप दिखावा वाली जितनी भी आप भक्ति कर लेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाए तो यहां अमृतसर की वाघा बॉर्डर लो, या कश्मीर की, या जो भी अलग अलग स्थानों की बॉर्डर, असम की या कोई भी बॉर्डर पर आप ले लो, कहीं आज हमारे सैनिक पहरा दे रहा है और सामने पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले, जो हमारे सामने जो लोग सैनिक लोग लड़ रहे हैं, तो कितने सैनिकों को और कितने लोगों को और मार देते हैं, तो वो भी रोज क्या करेंगे, बहुत से लोगों को मारकर एक दिन गंगा में आके स्नान कर लेंगे, तो क्या उसका पाप धुला जाएगा, क्या उसका दिल पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा नहाने से क्या? और हम भी मान लीजिए संसार में ऐसे तो बहुत से घटनाक्रमों को देखते हैं कि कितना इस संसार में आज व्यभिचार, चोरी, लूटफाट कितनी चल रही है, मतलब कितना चल रहा है, तो आज कई ऐसे अधम कार्य चल रहे, तो वो लोग ऐसा काम करके फिर अपने मन में संतुष्टि कर लेंगे कि चलो हम हरिद्वार चले जाए, या क्षिप्रा, या गोदावरी, या इलाहाबाद में त्रिवेणी में ना लेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, और हम रोज पाप कर्म दुष्कर्म करते रहे, हमारा तो न्याय नहाने के बाद हो ही जाएगा, कोई नरक में या कोई अधम मतलब कोई लोक में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सुंदर साजी परमात्मा सबका न्याय करते हैं, कभी भी अन्याय नहीं करते। जो नहाने से मुक्ति मिल जाए, तो मैं एक दिन आपको कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से बताया था एक प्रकरण है जो अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर कर देखाई कोट मेरा तो ये ना मिलो कर तार अंदर नाही निर्मल फिर फेर नहावे बाहेर जैसा बाहेर दिल तो अधखिन पियुन्या रानही तो अधखिन पियुन्या रानही माहे
रहे हिल मिल। क्या बताया? जैसे हम बाहर है वैसा पहले दिल पवित्र बनाना पड़ेगा। और कीर्तन ग्रंथ के 106 नंबर के प्रकरण में भी बताया कि सोच कैसे हो वही, ध्यान से सोच कैसे हो वही, हम पवित्र कैसे बने, पवित्र कैसे बना जा सकता है। तो राज जी ने आगे बताया कि निस्दिन ग्रहिये प्रेम सो सी जुगल स्वरूप के चरण, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना ही। इतना नहीं, यही प्रकरण में और आगे बताया कि सुंदर साथ जी इस पंच महाभूत के शरीर को, ध्यान से इस पंच महाभूत के पुतले को आप बाहर से जितनी बार नहाओगे, चाहे दिन में 3 बार 5 बार 10 बार नहा लो, लेकिन ये शरीर का पसीना दूर होगा, क्या होगा? अंदर की पवित्रता, अंदर की निर्मलता नहीं बनेगी। अंदर की निर्मलता के लिए तो क्या करना पड़ेगा? मनुस्मृति ने एक दिन मैंने श्लोक बोला था, अद्भि गात्राणी शुद्ध्यंती मनोशक्ति शुद्ध्यंती विद्या तपो भया भूतात्मान बुद्धि ज्ञाने शुद्ध्यंती। अंदर की पवित्रता के लिए विद्या तप शुद्ध ज्ञान उसकी जरूरत पड़ती है। और यहां भी बताया आगे और कि ये शरीर के जो 9 द्वार है और 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, चाहे नेत्रों का 2 द्वार ले लो, नासिका का ले लो, कान का ले लो, मुख का ले लो और नाभि का ले लो और गुद्दा का ले लो, ये 9 द्वार से प्राणा जी ने बताया कि गंदगी निकलती है, कहीं पवित्रता नहीं है। तो ये शरीर, हाँ आपको साधन मिला है, शरीर रूपी साधन मिला है, उसी को आप संसार की ओर मोड़ देंगे तो नरक की खाई में आप धकेल, मतलब अंदर गिर जाओगे। उसी शरीर का आप सही इस्तेमाल करोगे, सही उपयोग करेंगे तो आप अध्यात्म की उपलब्धि आप प्राप्त करोगे। लेकिन कैसे करना, यहां एक प्रयोग करके बताया, एक यहां प्रसंग सुनाया आपको कि कैसे करें। तो बताया कि अंदर के जीव के दिल को पवित्र बनाना है। किसको? जीव के दिल को पवित्र बनाना है। बाहर से ना के कोई पवित्र होगा नहीं, अंदर तो गंदगी ही गंदगी है। क्योंकि फिर बताया आगे जाके कि अंदर जितनी भात का व्यंजन, मेवा, मिठाई आप अंदर डालोगे शरीर में, तो ये विष्ठा मल बनकर तो निकलते हैं, प्राणा जी ने बताया वाणी में, क्योंकि जिसका संग किया वही रंग लेके निकला। तो अंदर तो पूरा शरीर की रचना जो बनी है गंदगी ही गंदगी है, लेकिन राज जी ने एक जीव का दिल जो अंदर रचना की है, एक आत्मा का धाम दिल है, उसमें जीव का दिल अनेक विकारों अवगुणों से बहुत जन्मों से भरे हुए है, तो उस दिल को पवित्र बनाना है। जब ये सुखंग में आवई तब छुटी जाए विकार। जैसे जैसे यहां ये सुख आता जाएगा तारतम वाणी का, ब्रह्म ज्ञान का, वैसे वैसे हमारा अंतस्करण पवित्र और शुद्ध बनता जाएगा। तो बाहर नाने से तो जो जल में कई जड़चड़ प्राणियां, चाहे मछली हो, झींगा हो, कछुआ हो, चाहे अनेक प्रकार के जड़चर है, वो तो रात दिन कई समय से अंदर ही तैरते रहते हैं, तो वो पहले नहीं अखंड हो जाते क्या? वो पहले अखंड हो जाते। तो यहां बताया कि बाहरी कर्म कांड वाली जितनी भी भक्ति कर लो दिखावे वाली, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। तो क्या करना है आगे धामधनी बता रहे, ध्यान से सुनिए कि यजुर्वेद का एक कथन है कि विद्या कैसे प्राप्त होती है और विद्या से विनय भी, विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय भी प्राप्त होते हैं। यहां जो ऋतुम भरा प्रज्ञा द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या की बात कही गई है, और यहां जाहिरी जल में नहाने से लोग
अपने को मुक्ति मान रहे। तो सुंदर साथ जी प्रश्न ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले, ये तो एक पौराणिक घटनाक्रम, एक आलंकारिक वर्णन है, ये वास्तविकता नहीं है। सुंदर साथ जी वास्तविकता तो यही है, और पौराणिक मान्यता के अनुसार हजारों साल पहले जो बूंदे गिरी थी ये आज तक थोड़ी सुरक्षित रहेगी, और हजारों लोग नहाने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो क्या वो एक बूंद में से कितनी मात्रा में उसको ये अमृत मिलेगा? तो ये लोग संसार के बुद्धिजीवी वर्ग भी है लेकिन ये सोचते नहीं है, और नहाने मात्र से मुक्ति मानते हैं। लेकिन यहाँ धामधनी ने बताया कि ब्रह्म विद्या एक ही ऐसी विद्या है कि जो ब्रह्म ज्ञान जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अखंड मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। तो यहाँ सबसे पहले रामानुज आचार्य के साथ श्री जी की जो चर्चा शुरू होती है, शास्त्रार्थ शुरू होता है, उसमें सबसे पहले रामानुज आचार्य आते हैं और श्री जी के साथ क्या शास्त्रार्थ में आगे बढ़ते हैं, ये हम इसी प्रसंग के माध्यम से सुंदर साथ जी सुनेंगे कि रामानुज आचार्य ने अपनी सांप्रदायिक मान्यता बताते हुए क्या कहा कि हमारी जो सांप्रदायिक मान्यता शास्त्र वेद मत और इष्ट को लेकर हम आपको बता रहे, उन्होंने क्या और आगे कहा कि आप इस संत जनों श्री जी को बताया कि आप सुनिए, आप जो यथार्थ रूप से हमारी रामानुज संप्रदाय की पद्धति को आप ग्रहण कर लेंगे तो हमारा पंथ कैसा है, इंद्रियातीत है। ये किसने बताया? रामानुज संप्रदाय वाले आचार्य ने। और आगे हम बढ़े तो रामानुज संप्रदाय की जो चार, विष्णु संप्रदाय की जो चार शाखाएं हैं क्या क्या, रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य, जो चार शाखा है उसमें आगे बताया कि जो चार शाखा है ये हमारे चार आचार्यों ने स्थापित की है और चार आचार्य ये चार शाखाएं चला रहे हैं। और रामानुज का जन्म दक्षिण भारत में पेरुम्बर में विक्रम संवत 1073 में हुआ था, और उसके पिता और माता का नाम यहाँ बताया कि केशवाचार्य और माता का नाम क्रांतिमती था। और उसने आगे रामानुजाचार्य ने अपना वेद मत इष्ट गोत्र जो पद्धति के अनुसार जब बताने लगे तो कहाँ कहाँ का बताया, किसी ने इस जगत के अंदर और किसी कुछ इस जगत के बाहर की, लेकिन कोई ये निश्चित नहीं कर पाए कि जीव की अखंड मुक्ति का स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ रामानुज आचार्य ने क्या बताया कि हमारा शुक्ल वर्ण है और हम साम वेद को मानते हैं और हमारी मुक्ति सामीप्य है, और चार प्रकार की मुक्ति चार आचार्यों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों क्या क्या मुक्ति को मानते हैं, क्या क्या वेद को मानते हैं, या आगे आगे एक एक आचार्य के एक एक प्रसंग में आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ रामानुज आचार्य का जब प्रसंग चल रहा है उसमें चार प्रकार की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। तो सामूप्य मुक्ति किसको कहते हैं, जिस लोक में आराध्य के पास उसके समीप उसके निकट रहने को मिले उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति जो लोक में अपने आराध्य के साथ उसी की बराबरी की लीला करने का
जो शोभा मिले उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, सालोक्य उस लोक में रहने को मिले उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति, और अंतिम सायुज्य मुक्ति, उस लोक के अंदर हम डूब मतलब एक रस हो जाए उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सुंदर सा जी, इतना जब रामानुज संप्रदाय वालों का जब सुना और रामानुज आचार्य ने जब ये इतना बताया तब जाके श्री जी ने क्या जवाब दिया कि हे रामानुज मत के आचार्य, आपका ज्ञान तो अगाध और अवलौकिक है, आपके ज्ञान को तो धन्य धन्य है, तुमने तो क्या बताया कि कुछ आपका मूल घर धाम और इष्ट जो भी आपने पद्धति बताई कुछ इस जगत के अंदर की और कुछ इस जगत के परे की बताई। तो श्री जी आगे और बोले कि हे रामानुज आचार्य, आप मेरे को ये बताइए कि वेद और शास्त्रों में तो ये संसार की तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा ये संसार, तो आपके जीव की मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा और आपकी पद्धति का अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो वो रामानुज आचार्य भी वहाँ मौन हो गए। उसी के बाद रामानुज आचार्य के बाद, क्योंकि उसी के पास कोई जवाब नहीं था किसी ने इस जगत की और थोड़ा कुछ इसी जगत की परे की बताई, तो श्री जी ने जो जवाब दिया तो सब मौन हो गए। उसी के बाद रामानुज आचार्य के बाद निम्बार्क आचार्य बोले, क्या बोले कि हे श्री जी, भले वो श्री जी नहीं बोलते होंगे लेकिन हम चर्चा के रूप में सुंदर सा जी श्री जी का नाम याद करें कि हे श्री जी, निम्बार्क आचार्य क्या कह रहे हैं कि हमारे संप्रदाय का वेद इष्ट जप धाम आदि सारी बात हम रखेंगे, यदि आप हमारी मूल बात को आप ग्रहण कर लेंगे ने तो आपको अखंड शांति मिलेगी। क्या बताया आप हमारी, निम्बार्क आचार्य ने बताया कि हे श्री जी आप हमारी वेद जप धाम आदि सारी बातें कैसे मूल बात को ग्रहण कर लेंगे तो आपको अखंड शांति मिलेंगी। और आगे और बताया, क्या राज जी बता रहे कि आचार्य निम्बार्क का कहाँ जन्म हुआ और कौन उसके माता पिता थे और निम्बार्क आचार्य कैसे नाम पड़ा, उसी पर हम आगे चले। तो निम्बार्क आचार्य का जन्म दक्षिण भारत में वैदुर्य पतन में हुआ था। उसकी माता का नाम जयंती देवी और पिता का नाम अरुण था और उसका पूर्व नाम तो नियमानंद था। क्या नाम था? पूर्व नाम नियमानंद था। लेकिन एक बार क्या घटना घटी कि उसके वहाँ एक महात्मा आए, वो महात्मा संध्या के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे, तो उसी समय वो आए तो उस समय नियमानंद ने एक नीम के पेड़ पर सूर्य अर्क को कहते हैं सूर्य, तो सूर्य बना के दिखाया और वो महात्मा को सूर्य का दर्शन करवाया और उसी के बाद भोजन करवाया। तो जिस सूर्य अर्क को दिखाया उसी के आधार पर उसी का नाम निम्बार्क आचार्य रखा गया। सुंदर सा जी, निम्बार्क आचार्य आगे अपनी जो वेद मंत्र जप तीर्थ गोत्र आदि सब जब बताते हैं उसमें सामवेद था और यहाँ अजुर्वेद को वो मानते हैं, कौन? निम्बार्क आचार्य। और आगे जब ये सब कुछ बताया निम्बार्क आचार्य ने तो श्री जी ने जाके क्या बोला, श्री जी ने बोला कि हे निम्बार्क आचार्य आपने
इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कुछ बात आपने भी जगत के अंदर की रखी और कुछ बात आपने जगत के परे की रखी, लेकिन आप तो जगत के अंदर की क्या और जगत के परे की क्या। तो जगत के परे की बात में अखंड गोकुल लीला का वर्णन करते हो, वृंदावन का वर्णन करते हो, किंतु फिर आपका धाम आपने द्वारिका बता दिया। इसी प्रकार फिर आपने आराध्य इष्ट के रूप में आप राधा कृष्ण को मानते हो, फिर आप जो बैकुंठ वाला लक्ष्मी जी की जो यहाँ उसका ही जो एक लक्ष्मी जी का अवतार है वो रुक्ष्मणी को आप मानने लगे। तो आपने क्या किया, थोड़ी ऊपर की मतलब जगत के परे अखंड की और थोड़ी यहाँ की बात बताई। तो इसी बात को सुनकर तो श्री जी क्या कहने लगे निम्बार्क आचार्य को, कि आपने सत्य क्या है और असत्य क्या है, सार क्या है असार क्या है, ये दोनों का तफावत पटंतर आपके अंदर है ही नहीं, तो आप कैसे पार उतरोगे इस भवसागर से। इतना नहीं और भी आगे श्री जी ने बताया कि सतगुरु बिना तुम खोजो रे खोजो, तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तो तुम सच्चे सतगुरु के बिना, क्या बताया, तुम सच्चे सतगुरु के बिना कैसे आप भवसागर से पार उतरोगे। इतना नहीं आपका जो 84 लाख योनि का आवागमन का चक्र है उसे भी आप वो कैसे समाप्त कर पाओगे। तो आपको भी पता ही नहीं है सत्य क्या है और असत्य क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो यहाँ निम्बार्क आचार्य का जब वर्णन पूर्ण हुआ उसी के बाद निम्बार्क आचार्य के बाद विष्णु स्वामी आचार्य अपने संप्रदाय की पद्धति को रखते हुए क्या कहते हैं कि विष्णु स्वामी संप्रदाय द्वारा चलाया गया पंथ उन्हीं के नाम से ही प्रचलित है। कैसे, जैसे एक विष्णु स्वामी में रामानंदी जो एक रामानंदी पंथ से एक संप्रदाय निकला, उसी प्रकार विष्णु स्वामी संप्रदाय से भी वल्लभाचार्य जी ने एक वल्लभ संप्रदाय चलाया। उसमें वल्लभ संप्रदाय में जो वैष्णव लोग हैं वो कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उसी में वो बांके बिहारी कृष्ण और बाल मुकुंद छोटे कृष्ण की वो भक्ति करते हैं। सुंदर सा जी एक प्रसंग थोड़ा टफ तो पड़ेगा आपको, थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हरिद्वार का प्रसंग ही ऐसा है कि आपको सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 5:45 बजे जितना ले पाए उतना हम आगे बढ़े, शायद आज जो मंजिल है वो हम पूर्ण करेंगे। तो यहाँ विष्णु स्वामी ने जब ये बताया और आगे अपना वेद इष्ट मत जप जो भी गोत्र सब बताते हैं, और कहाँ का बताते हैं, इस जगत के अंदर का बताते हैं, और वो किसको मानते हैं। आगे विष्णु स्वामी संप्रदाय की हम माला अपने हृदय में धारण करते हैं, परमात्मा के नाम पर विष्णु संप्रदाय की माला हम, और कोई अवंतिका पुरी को अपनी पुरी मानते हैं, गोत्र अच्युत मानते हैं और शाखा त्रिपुरारी मानते हैं। तो ऐसे करते करते जब बोलते गए तो आगे श्री जी ने क्या जवाब दिया, वैष्णव संप्रदाय का कहना यही था, क्या था कि वैष्णव संप्रदाय चारों संप्रदाय की यही मान्यता थी कि उनकी चारों शाखाएं, ध्यान से उनकी चारों शाखाएं किसने चलाई है। उसने बोला कि हमारी चारों शाखाएं लक्ष्मी जी शिव जी ब्रह्मा जी और सनकादिक ने चलाई है। तो यहाँ जो चारों शाखाएं चलाने वाले ये है, ये तो सृष्टि के प्रारंभ के योगी गण है, तो सत त्रेता और द्वापर तक तो कोई संप्रदाय थे ही नहीं, ये संप्रदाय तो कलयुग से चले हैं। तो यहाँ श्री जी ने क्या बताया कि ये जो प्रारंभ के योगी गण थे वो कभी भी
एक परब्रह्म को छोड़कर, एक परब्रह्म की आराधना छोड़कर ये कर्मकांड वाली या अन्य देवी देवता की भक्ति कभी भी प्रारंभिक ऋषि नहीं करते, तो तुम ऐसी पक्षपातपूर्ण मानसिकता क्यों धारण कर रहे हो? उससे तो सांप्रदायिक कट्टरता भी बढ़ती है आगे और बंटवारा होता है और इन उसमें से कई अलग अलग संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। और श्री जी ने आगे क्या जवाब दिया उसी का कि हे विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य, आपकी बात सुनकर तो धाम धनी ने ये कहा कि आचार्य ये सारी बात तो इस नश्वर जगत के अंदर की है। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य की बात सुनकर श्री जी ने क्या कहा कि आपकी सारी बात तो इस नश्वर जगत के अंदर की है, क्योंकि वेद और पुराणों में क्या साक्षी है कि महाप्रलय में ये सब पाताल से लेकर नारायण तक का जगत तो नाश हो जाएगा। तो तब तो आपके संप्रदाय की मान्यता कहाँ रहेगी और आपके जीव की अखंड मुक्ति कहाँ पर होगी? श्री जी का कहना सुंदरसा जी यही था कि विष्णु स्वामी संप्रदाय का चिंतन पृथ्वी टुकमा मूर्ति लोग से आगे बस ऊपर का ही थोड़ा कुछ था, इससे आगे वो भी अखंड में नहीं जा पाए थे। तो अंतिम जब विष्णु स्वामी संप्रदाय का शास्त्रार्थ होने के बाद अंतिम मध्वाचार्य के आचार्य क्या कहते हैं कि हे श्री जी, आप हमारे संप्रदाय का गोत्र क्षेत्र धाम वेद आदि के विषय में सुनने का कष्ट करें। क्या बोला कि हमारा गोत्र वेद धाम आदि के बारे में सुनने का कष्ट करें। और माध्वाचार्य का जन्म भी यहाँ बताया है कि उसका जन्म भी दक्षिण भारत में उडुपी नगर में हुआ था और उसके पिता का नाम मध्यग्रह और माता का नाम वेदवती था। तो उसने भी सुंदरसा जी जो भी वेद मंत्र इष्ट सब कुछ बताया, तो वेद किसको मानते? ऋग्वेद को वो मानते हैं। और आगे जो भी यहां बताया ने वो सब इस जगत और 14 लोक के अंतर्गत ही बताया, उसी के आगे वो नहीं जा पाए। तो श्री जी ने क्या किया, आपने तो सारी बातें इस नश्वर जगत की बताई, वेदों में तो कहा गया है कि संसार तो ब्रह्म रूप है, मृग तृष्णा के जल के समान है, बंजा पोत है, ससक सिंह है, तो ये एक दिन महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तब तो आपके द्वारा बताई गई मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा? तो सुंदर साची ये चारों संप्रदाय कौन कौन से, रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, ये चारों संप्रदाय के आचार्यों के साथ श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ। चारों संप्रदाय ने मिलकर जब चारों संप्रदाय का सार तत्व निकालेंगे तो क्या सार तत्व निकला, या आप ध्यान से सुनिए कि चारों संप्रदाय ने अपना आराध्य किसको बताया? विष्णु भगवान को, जो वैकुंठ का मालिक है, वो तो तीसरे प्रलय में नाश, वैकुंठ तो तीसरे नित्य प्रलय नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में नाश हो जाता है। और उसका धाम कहां बताया? परमात्मा इष्ट विष्णु भगवान को बताया और धाम वैकुंठ बताया, इससे आगे तो कोई गए ही नहीं, तो सब बस पृथ्वी से ऊपर वैकुंठ और अपने धाम और इष्ट को और जो भी बताया है सब 14 लोक अंतर्गत ही बताया। तो ये चारों का जब श्री जी ने सुन लिया तब श्री जी क्या सोचे होंगे, क्या विचार किए होंगे कि देखो कैसे कैसे मठाधीश कैसे आचार्य बनकर अपना अहंकार लेके बैठे हैं, कैसा मद लेके बैठे हैं, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा गुह्य कोई ऐसा अद्भुत गोपनीय ज्ञान नहीं है। वैसे तो वेद
और शास्त्रों में तो कई जगह वेदों के पुरुष सूक्त में एक परब्रह्म के बारे में कई श्लोकों के माध्यम से साक्षी बताई है, लेकिन यहाँ उन आचार्यों के पास ये ज्ञान नहीं था। उसी के बाद अब दस नाम सन्यासी आते हैं। कौन आते हैं? दस नाम सन्यासी आते हैं। और दस नाम सन्यासी क्या कहते हैं? कहा के हे प्राणनाथ जी, आप हमारे दस नाम सन्यासी के मत के बारे में आप सुनिए। क्या सुनिए? कि हमारा दस नाम सन्यासी मत में हम परमहंस को मानते हैं, परमहंस मत को मानते हैं। हमारा चार मठ है और सात मनिया है। क्या बताया? कि हम परमहंस मत को मानते हैं, चार मठ है और सात मनिया है। तो क्या क्या मनिया है और क्या क्या मठ है? सात मनिया में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की क्या क्या चार मनिया है। और चार मठ में पूर्व, पहले पश्चिम का मठ शारदा मठ, पूर्व का गोवर्धन मठ और उत्तर का जोशी मठ और दक्षिण का श्रृंगेरी मठ। और पूर्व में क्या मनिया बताई? पूर्व में तीर्थ, वन और आरण्य, पश्चिम में तीर्थ और आश्रम, उत्तर में गिरी पर्वत और सागर, दक्षिण में पुरी, भारती और सरस्वती। ये चार हुआ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और पांचवी उद्धवा मनिया, छठी आत्मा और सातवीं भरत खंड जम्बुद्वीप। और उसमें बताया कि सनकादिक हमारी शिखा है। ये सातों मनिया और चार मठ बताए। और आगे सुंदर साजी चार प्रकार के मठ और चार प्रकार के ब्रह्मचारी के चार प्रकार के नामों से जो जाना जाता है, चारों मठों के चार प्रकार के जो ब्रह्मचारी है वो चारों प्रकार के नाम से कैसे जाना जाता है? तो आनंद, स्वरूप, चैतन्य और प्रकाश। और यहाँ और आगे बताया कि सन्यासियों के आध्यात्मिक स्तर भी चार नामों से जाना जाता है। क्या क्या? कुटीचर, बोध, अंश और परमंश, ये चारों नामों से जाना जाता है। और यहाँ दस नाम सन्यासी कैसे? तो वन, आरण्य, तीर्थ, आश्रम, गिरी पर्वत, सागर और पूरी, भारती और सरस्वती। ये दसों नाम को मिलाकर वर्तमान में जो ये सन्यास मत की पद्धति सुंदर साजी आगे चली। और आगे और भी बताया कि चारों युगों के सन्यास मत के जो भी आचार्य हुए, तो चारों युगों में कौन कौन से आचार्य हुए? तो सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। तो सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रेता में शक्ति, पराशर और वशिष्ठ, द्वापर में व्यास और शुकदेव, और कलयुग में गौड़, गोविंद और शंकराचार्य। और अंतिम जो शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य के चार शिष्य हुए। कितने? चार। पहला कौन? पद्माचार्य। और पहला ब्रह्माचार्य, दूसरा पद्माचार्य, तीसरा नरटोटकाचार्य और चौथा श्रृंगी ऋषि। पहले जो शंकराचार्य उसका चार शिष्य अभी बताया ने, ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नरटोटकाचार्य और श्रृंगी ऋषि, उसके दस शिष्य हुए। ये दस में कौन कौन? तो पद्माचार्य के दो कौन कौन से? तो बताया तीर्थ और आश्रम। और ब्रह्माचार्य के दो तीर्थ और आश्रम, और पद्माचार्य के दो वन और आरण्य, और नरटोटकाचार्य के तीन कौन कौन से? तो गिरी पर्वत और सागर, और श्रृंगी ऋषि के तीन पुरी, भारती और सरस्वती। तो ये दस हुआ ने, दो दो चार और तीन तीन छः। तो दस मतलब दस नाम सन्यासी के नाम से वो जाने जाते हैं। और ये इससे ही सन्यास मत
प्रकट हुआ और अंतिम सुंदर साची सठ दर्शनों की विधि उसमें दशनाम सन्यासी मत के आचार्यों के बाद जो छह दर्शनों के आचार्य कहने लगे कि हे प्राणनाथ जी, हमारा मत तो बहुत प्राचीन है, यदि आप हमारे मत को जानकर आचरण में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बोला? अब छह दर्शन के आचार्य की जब प्रसंग शुरू हुआ तो छह दर्शन के आचार्य ने बोला कि हमारा मत तो बहुत प्राचीन है, जो आप हमारे मत की पद्धति को आप आचरण में लाएंगे, ग्रहण करेंगे तो आपको अवश्य परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और आगे कैसे छह दर्शन शास्त्र वाले कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी उसके चारों मुख है और चारों मुखों से चारों वेदों का अध्ययन निरंतर अहनिश होता रहता है। ये कौन कौन से? ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इतना नहीं, ये चारों वेदों से जो छह शास्त्र निकले, ये छह शास्त्र भी उसी से अंदर से ही निकला है, ऐसा यहाँ छह दर्शन शास्त्रों के आचार्यों ने बोला। और आगे बोला कि ये जो छह दर्शन निकले वो कौन कौन से दर्शन है? तो यहाँ पूर्व के दर्शन कौन से है और पश्चिम के दर्शन कौन? तो पूर्व के दर्शन न्याय दर्शन है और पश्चिम के दर्शन सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन। वैसे उत्तर के दर्शन वेदांत दर्शन और दक्षिण के दर्शन सुंदर साजी मीमांसा दर्शन। तो ऐसा किसने बताया? ये छह दर्शन आचार्यों ने बताया। और आगे जब सुंदर साजी हम सुनेंगे तो ये जो वर्णन है ये आलंकारिक वर्णन हुआ। क्या? कि ब्रह्मा जी के मुख से ये चारों वेदों का अहनिश अध्ययन होता रहता है, ये आलंकारिक रूपक वर्णन है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो सृष्टि के प्रारंभ के चार ऋषि वायु, अग्नि, अंगिरा और आदित्य जो सबसे पहले उत्पन्न हुए, उसी के चारों ऋषियों के मुख से एक एक वेद का अवतरण हुआ। एक वेद का अग्नि, एक वेद का वायु, अंगिरा और आदित्य, ऐसे चारों वेदों का जैसे अवतरण हुआ, वो अवतरण चारों वेदों का एक साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया और एक साथ ही चारों वेदों का अकेला ज्ञाता बना। इसलिए बोलचाल में सब क्या कहने लगे कि ब्रह्मा जी चतुर्मुखी मुख वाले हैं। ब्रह्म जी का चार मुख नहीं है, लेकिन उसने चारों वेदों को एक साथ कंठस्थ करके चारों वेदों का ज्ञाता एक साथ बने। तो उसी के बाद उसने ये भी बोला था कि चारों वेदों में से ये छह अंग निकले, तो चार वेद के छह अंग नहीं है, ये छह शास्त्र हैं, ये छह उपांग है। अंग क्या है और उपांग क्या है, आगे राज जी बता रहे हैं। चार वेदों के चार उपांग, चार वेदों के जो उपांग है वो छह दर्शन शास्त्र है, अंग है वो छह है। तो उपांग क्या क्या? छह। तो ये सांख्य, मीमांसा, वेदांत, पातांजल, योग और वैशेषिक। और अंग शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये सब अंग है। तो उसके बाद सुंदर साथ जी आगे हम बढ़े तो ये छह दर्शन शास्त्रों की जो रचना हुई वो छह दर्शन शास्त्रों में सृष्टि बनने के जो छह प्रमुख कारण है उसमें एक एक कारण एक एक ग्रंथ में एक एक दर्शन शास्त्र में एक एक ऋषि ने जो मुनि ने ये ग्रंथ के नाम के साथ जो प्रमुख कारण की व्याख्या की है वो कैसा क्या क्या है ये हम अभी 5 मिनट में सुंदर साह जी आज ये प्रसंग को पूर्ण करके, क्योंकि कल मैं संप्रदाय पद्धति लूंगी तो 5-10 मिनट आप आज समय का मेरे को एक कुर्बानी चाहिए तो मैं यहाँ आगे बढ़ूँ। तो सुंदर साथ जी
सबसे पहले क्या दर्शन की बात बताई, गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन, उसी के बाद वेद व्यास के द्वारा दो, एक उत्तर मीमांसा एक पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि और उत्तर मीमांसा व्यास मुनि जिसने वेदांत दर्शन की रचना की, और उसके बाद कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन और शेष अवतार पतंजलि ऋषि द्वारा योग दर्शन, और जैमिनी कर्णाद मुनि द्वारा वैशिष्ट दर्शन की रचना हुई, और छह दर्शन के छह आचार्य हुए, और एक एक दर्शन शास्त्र में सृष्टि के एक एक प्रमुख कारण की व्याख्या दी गई है। तो सबसे पहले सुंदर साची कौन किसका दर्शन की व्याख्या शुरू हो गए, ये राज जी ने हमको इस प्रसंग के माध्यम से बता रहे कि सबसे प्रथम न्याय दर्शन के आचार्य बोले, क्या बोले न्याय दर्शन के आचार्य श्री जी के सामने, के जीव ईश्वर और माया ये तीनों एक दूसरे से भिन्न है और अनादि है। क्या बताया, जीव ईश्वर और माया तीनों एक दूसरे से भिन्न है और अनादि है, और इतना नहीं आगे और भी बताया कि छह इंद्रियों के विषय सुख और छह इंद्रियों के सुख दुख और ज्ञान ये सब मिलाकर 21 सीढ़ियां, जब दुख की कितनी बताई, दुख की जब 21 सीढ़ियां पार उतरते हैं, और जब ये जीव इस शरीर को छोड़ता है तो जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है, तब श्री जी ने जाके ये न्याय दर्शन के आचार्य को क्या जवाब दिया कि अरे तो जीव की ये अखंड मुक्ति कहाँ रहेगी, आपने तो ये दुख की 21 सीढ़ियों की बात बताई, तो 21 सीढ़ियों के परे ब्रह्म का अखंड स्वरूप कहाँ है, तो उसका उत्तर उसके पास नहीं था। उसी के बाद मीमांसा दर्शन के आचार्य ने कहा, उसने किसकी प्रधानता दी, कर्म की, उसने बोला कि कर्म ही ब्रह्म का स्वरूप है, और कहा कि कर्म से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है और लय होता है, और तो यहाँ क्या बताया कि कर्म, श्री जी ने बताया कि हे मीमांसा दर्शन के आचार्य, कर्म की उत्पत्ति तो जीव के मन अहंकार और इंद्रियों से होती है, और ब्रह्म तो इन सब प्रकृति तत्वों से रहित है, तो उसे कर्म का स्वरूप कैसे माना जा सकता, तो वो भी मौन हो गए। और तीसरे आचार्य कौन आए, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, तो सांख्य दर्शन में उसने, उस आचार्य ने क्या बताया कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो ये क्या होता है, ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तब श्री जी ने पूछा कि इन दोनों में, दोनों का जो स्वरूप है वो कहाँ पर है और कैसा है, और दोनों कैसे मिलते हैं, ये तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण सुंदर साहब जी वो नहीं बता पाए। तो श्री जी ने कहा कि हे आचार्य जनों, आपके पास ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो आप इससे आगे नहीं बता पाएंगे, और इसके आगे ये सब जब मौन गए ने, तब वैशेषिक दर्शन के आचार्य ने क्या बताया, वैशेषिक दर्शन के आचार्य ने बताया कि ब्रह्म का स्वरूप जो है वो काल है, और काल ही ब्रह्म का स्वरूप है। तब श्री जी ने जाके बताया कि आप ब्रह्म के स्वरूप को काल कहते हो और काल के स्वरूप को ब्रह्म कहते हो, आपने तो वैशेषिक दर्शन के बारे में चिंतन ही नहीं किया है, क्योंकि काल तो ये नश्वर जगत के अंदर है और ब्रह्म का स्वरूप तो प्रकृति से परे का है, तो आप धर्म ग्रंथों में ब्रह्म का स्वरूप तो काल से अतीत बताया गया है, तो आप काल को क्यों ब्रह्म का स्वरूप मानते हो। तब जाके सुंदर साहब जी ये वैशेषिक दर्शन वाले आचार्य भी मौन हो गए, और बाद में योग दर्शन के आचार्य बोले, क्या बोले,
योग दर्शन के आचार्य बोले कि ब्रह्म ज्योति के स्वरूप है और इस संसार के कण कण में ब्रह्म समाये हुए है और व्यापक है, तब और योग के 8 अंगों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ये ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तब श्री जी ने जाके क्या बताया कि हे योग दर्शन के आचार्य, तुम तो ब्रह्म को यहाँ इस संसार में असत जड़ और दुखमय जगत में बता रहे हो, ब्रह्म तो सत चिद और आनंद के स्वरूप है, वो मायावी जगत में कैसे एक रूप हो सकते और मायावी जगत के कण कण में वो कैसे व्याप्त हो सकते, और जो यहाँ ये कण कण में व्याप्त होते तो कोई धर्मशास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऋषि मुनियों को ध्यान समाधि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तब जाके श्री जी ने जब ये बोला तो वो भी मौन हो गए और अंतिम अंतोगत्वा कौन आए, विद्वान सुंदरसाथ जी वेदांत दर्शन के आचार्य आए, और वेदांत दर्शन के आचार्य ने ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया कि यहाँ सब कुछ ब्रह्म है, जहाँ देखो माँ ब्रह्म का ही स्वरूप है, माया ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर माया है और माया के अंदर ब्रह्म है। तब श्री जी ने जाके क्या बताया कि अरे तुम तो ब्रह्म का स्वरूप ही माया का बता रहे हो, तो आपको तो कोई बात की समझ ही नहीं है, आप इतना अज्ञानी क्यों हो, क्योंकि वेद शास्त्रों में तो ब्रह्म का स्वरूप तो अंधकार से परे बताया है, तमस परस्तात करके बताया है और आगे भी बताया, आप तो अंधकार में, अंधकार के कण कण में सूर्य और सूर्य के अंदर अंधकार बता रहे हो, तो आपने माया के कण कण में ब्रह्म को व्यापक बताया, तो आपकी समझ का स्तर भी एकदम गिरा हुआ है, आपको भी पता नहीं कि ब्रह्म कौन है, ये तो त्रिगुणा तीत है, ये तो प्रकृति से परे है। जब 6 दर्शनों के आचार्य के सामने श्री जी ने बहुत एक रोचक तर्क के साथ जब शास्त्रार्थ किया तो सब दर्शन के आचार्य मौन होकर अंदरों अंदर आपस में विचार विमर्श करते करते आपस में बात करने लगे कि ऐसा कौन महापुरुष, ऐसा कौन दिव्य पुरुष हमारे सामने बैठकर ऐसे तर्कों के साथ बात कर रहे हैं, क्या देखो यानी उसने तो 4 रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार, ये आचार्य को भी चारों आचार्य को भी शास्त्रार्थ में हराया, 10 नाम सन्यासी को भी हराया और हमारा 6 दर्शन शास्त्र के आचार्य को भी हराया, तो ये कौन है, ये विचार आपस में सुंदरसा जी वो करने लगे। सब मिलकर ने श्री जी को पूछा कि तुम उत्तर दीजिए, आप भी हम भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। तब श्री जी ने जाके क्या बताया कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो ने कि हम कौन है, तो श्री जी ने बताया कि जाओ धर्मशास्त्र को देखो, क्या क्या धर्मशास्त्र, माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, बृहत सदासी संहिता, बुद्ध गीता, हरिवंश पुराण, भविष्योत्तर पुराण, सबके अंदर हमारी साक्षियां लिखी है, ये जाके आप देखिए, और उसी में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंतिम चरण में ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अपनी आत्माओं के साथ आएंगे, वही तो मैं हूं, ऐसा श्री जी ने बताया। और सुंदरसा जी बताने के बाद वो लोग के अंदर भी एक परीक्षा लेने का विचार उठा, तो उसने भी बोला कि तुम भी अपने वेद मंत्र, इष्ट गोत्र, ये संप्रदाय, इसी पद्धति को आप भी अपने बारे में बताइए। तब जाके श्रीजी सुंदरसा जी कल के प्रसंग में हम सबको अपनी संप्रदाय पद्धति, सतगुरु ब्रह्मा आनंद है, सूत्र है अक्षर रूप, आज विचार तो किया था लेकिन आज प्रसंग बहुत बड़ा था इसलिए हम नहीं ले पाए, इस प्रसंग को हम कल समझेंगे, लेकिन यहाँ शास्त्रार्थ का जो समय पहले से भविष्यवाणी
कहते हुए ग्रंथों में जो साक्षियां लिखवाई थी, चाहे बुद्ध गीता हो, भविष्यतर पुराण हो, ये हम सब कल लेके समझेंगे। लेकिन उसी समय जो शास्त्रों के अनुसार एक साल में, एक वर्ष में एक महीना कम था, वो भी तभी इसी समय दिखाई दिया। और उसी रात को धूम्रकेतु नाम का तारा भी उग निकल आया। ये सब साक्षियां मिली जुली। और ये भी नहीं, और भी आगे बताया सुंदर साथ जी कि इसी संबंध में विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होने वाले थे, तो ये इसी समय ही प्रकट हुए। और इतना नहीं, सभी आचार्य, दशनाम सन्यासी और चारों संप्रदाय के आचार्यों ने मिलकर श्री जी के नाम की शाखा भी शुरू की, विद्याभिनंद बुद्ध जी की, और ध्वजा भी फहराई और उसकी आरती भी उतारी। और जो इसी समय आगे जो संप्रदाय पद्धति श्री जी बताते हैं, ये प्रसंग हम कल लेंगे। यहाँ हम अंतिम चौपाई दोहरा दे। बोले श्री प्राणनाथ की, श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कल युग ब्रह्मा जाए, तो कल युग ब्रह्मा जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।